हाय, आ गए आप लोग। सो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जब आप आ ही गए हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि अंदर चलो और मेरे छोटे से घर का कि कैसा है और कैसा दिखता है। सो वेलकम टू माई होम एंड वेलकम टू माई चैनल। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके रखा है तो थैंक यू सो मच। और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा ड्रीम होम एक्चुअली इसलिए क्योंकि मैं अपना खुद का एक ऐसा स्पेस चाहती थी जहाँ पे सिर्फ मेरी चले और जहाँ पे मैं अपना स्टूडियो क्रिएट कर सकूँ। तो ओवरऑल व्यू मैं आपको दूँगी इस वीडियो में और मैं आपको बताऊँगी कहाँ पे क्या चीज़ होने वाली है। सो हम शुरू से शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम लाइक मैं रहती हूँ 16 फ्लोर पे, यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे ऊपर आने के लिए 16 फ्लोर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम सीढ़ियों से बिल्कुल भी नहीं आ सकते। तो यहाँ पे एक लिफ्ट एंड दो एंड तीन, वो हमारा सामान लाने के लिए बेड फ्रिज कोई बड़ी चीज़ है तो इनमें नहीं आ सकती, इनमें से हम जैसे लोग आ सकते हैं हल्के फुल्के। तो वहाँ के लिए बेड वगैरह हो गया उस वाले लिफ्ट के लिए एंड दो लिफ्ट यहाँ पे हैं जिनमें आना कभी कभी बंद हो जाती है ना आना तो ये कभी कभी बंद हो जाती है। अब हम चलते हैं अंदर और देख लेते हैं कि क्या है कैसे है। तो ये है हमारा मेन गेट, इसको लगाना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और उसके बाद ये है हमारा लिविंग एरिया एंड ड्राइंग रूम जहाँ पे आने वाले टाइम में हम रखने वाले हैं अपने सोफ़ा और यहाँ पे प्लांट्स भी रखे जाएंगे। सो अभी हमने यहाँ पे फ्रिज रखा हुआ है और यहाँ पे स्लीपर्स जो मैं डेली मतलब बाहर जाती हूँ तो पहनती हूँ, बाकी मैंने अलग रखी हुई है। इनके लिए भी मुझे डॉर्म लेने पड़ेंगे क्योंकि अभी मैंने कुछ भी सामान परचेज़ नहीं किया है। मेरी फ्रेंड है, मैं उनसे पूरे एडवाइस दूँगी कि मैं क्या करूँ कैसे करूँ। और ये है हमारा पूरा लिविंग एरिया। और यहाँ पे ये मुझे भी यार रिसीव हुए थे जो मैंने रखे हुए हैं। और इस कोने में जो फ्रिज है इसको हम चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ के लिए फ्रिज नहीं है, ये फ्रिज था किचन के लिए तो मेरे से तो हो नहीं पाएगा। सो मैं वेट कर रही हूँ कि इसको मैं अंदर रखवाऊँ। और यहाँ पे हम रखने वाले हैं सोफ़ा और LED यहाँ पे होगा या फिर इस वाली वॉल पे होगा, जहाँ भी होगा आपको आने वाले ब्लॉग में पता चल जाएगा। और ये छोटा सा स्टूल मैंने यहाँ पे इसलिए परचेज़ किया था, ये मैंने पंजाब मार्केट से लिया 600 रुपीज़ का क्योंकि यहाँ पे मुझे ये VNT रखना था। और यहाँ पे मैंने ये कॉर्ड लगाया हुआ है वर्क हार्ड ड्रिंक बिग, ये मैंने अमेजोन से लिया था एंड देन ये यहाँ पे पहले से लगा हुआ था तो मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको निकाला नहीं। और यहाँ पे इसको खुद ही मुझे क्लीन करना होता है, मैंने अभी मेरे नहीं लगवाए हैं वाइट टाइल्स ना थोड़ी ज़्यादा गंदी होती है इसलिए मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब इसके जस्ट सामने है बालकनी तो मैं अब आपको दिखा देती हूँ बालकनी। और यहाँ पे मैं स्टोर करने वाली हूँ, यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ प्लांटर्स ऐड करूँ जिसके लिए मैं स्टैंड लाऊंगी एंड देन जो यहाँ पे प्लांटर्स रखे हैं उनको रखूँगी, उनमें प्लांट ऐड करूँगी। और इसके जस्ट ऊपर AC दिया हुआ है और एक्चुअली हर रूम में AC है, थैंक गॉड कि यहाँ पे AC का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर रूम में AC है, आराम से आप रह सकते हो। और इसके जस्ट बराबर में है हमारी किचन, तो यहाँ पे किचन है जिसमें भी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, थैंक गॉड कि कुछ भी ऐसा कराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हर चीज़ मिलती है। और उसके बाद फर्नीचर भी अच्छा खासा है। और यहाँ पे मैंने दो थॉट लगाए हुए हैं, लर्न फ्रॉम यस्टरडे, लाइफ फॉर टुडे, होप फॉर टुमारो एंड द फ्यूचर इज़ ब्राइट। तो ये मैंने अमेजोन से लिए थे और इनका साइज़ थोड़ा छोटा है तो मेरे बैकग्राउंड स्टूडियो में काम आएंगे। और अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा स्टूडियो, उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ मेरा ड्रीम होम। तो ये हमारी किचन है जिसमें अभी थोड़ा थोड़ा सामान जो है वो मैंने स्टोर करके रखा है। और गैस वगैरह तो इसको अभी क्लीन करना भी बाकी है जो कि मैंने थोड़ा थोड़ा सामान रखा हुआ था। सो
सो किचन में काफ़ी अच्छी लाइट आ जाती है क्योंकि पूरे घर में हर रूम और किचन के बाहर बालकनी है क्योंकि वहाँ से नेचुरल लाइट आती है जो कि मेरे ब्लॉगिंग के लिए और मेरे शूट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो सबसे पहले मैं किचन वाली बालकनी आपको दिखाऊंगी। यहाँ से जाने के बाद आपको ये व्यू नज़र आता है जो कि हर बालकनी में से आता है, सिर्फ मेरे स्टूडियो वाले बालकनी को छोड़ के। यहाँ पे हमने आलू डाले हुए हैं, ये मम्मी ने भेजे थे, और उसके बाद ये हमारी पूरी ओवरऑल बालकनी का व्यू। तो ये हमारी बैल्कनी है जिसका व्यू कुछ ऐसा ऐसा होता है, और लाइट ना भी जलाऊँ ना दिन में तो भी काम चल जाता है क्योंकि यहाँ पे जो सन की लाइट है वो आती रहती है। और मैं ये विंडो खोल लेती हूँ जब मैं खाना बनाती हूँ, और मैं ये वाला गेट भी खोल लेती हूँ। अभी हमने इस बैल्कनी में क्या रखा हुआ है, जो किचन की ज़रूरी चीज़ें हैं, सिलेंडर यहाँ पर है, आलू यहाँ पड़े हुए हैं, और जो कि उससे यूज़ भी नहीं होते। और ओवरऑल मुझे बहुत प्यारा लगा ये घर, और मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ क्योंकि जब मैं सुबह सुबह उठती हूँ तो व्यू बहुत अच्छा होता है, बहुत मतलब माइंड को फ्रेश कर देता है, और आपको अच्छे अच्छे थॉट आते हैं जब आप मॉर्निंग में कुछ अच्छी और प्यारी चीज़ देख लो। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि सोसाइटी की जो गार्ड है, यहाँ की जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। सबसे पहले अगर कोई भी यहाँ पर आता है बाहर के साइड तो हमें पहले फ़ोन आता है, मेरे PR भी आते हैं ना तो भी पहले बाहर से फ़ोन आते हैं, हेलो मैम, गुड इवनिंग, या एवरीथिंग कुछ भी ऐसा बोलते हैं, एंड देन वो मुझसे परमिशन लेते हैं, एंड देन वो आते हैं। तो मेरे लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं, मेरी बेटी और मेरा भाई रहता है, तो मेरे लिए ये सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ कोई भी नहीं है जो हमारी सेफ्टी का ध्यान रखे, तो यहाँ के गार्ड बहुत अच्छे हैं और सोसाइटी की जो मतलब सिक्योरिटी है बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, इसलिए मुझे डर नहीं लगता। आई एम सेफ हेयर, पूरी तरीके से सेफ हूँ, और इन दिनों मैं बाहर नहीं जा रही हूँ। खैर बात बहुत हो गई, बीच बीच में हम बात करेंगे। अभी हम चलते हैं दूसरे रूम की तरफ, एक्चुअली ड्राइंग रूम के बालकनी को देख लेते हैं। अब यहाँ से और किचन के सामने से मैं आपको अपने ड्राइंग रूम का पूरा व्यू देती हूँ। सो वो है मेन गेट जहाँ से हम एंटर करते हैं, एंड देन ये हमारा पूरा लिविंग एरिया हो जाता है। और इसके जस्ट बराबर में ये मैंने किचन आपको दिखा ही दिया, और यहाँ पे एक कॉर्नर है जो कि खाली है जिसमें मैं प्लांटर ऐड करूँगी, उसके लिए स्टैंड लाऊँगी। और फ्लोर पे पूरा वाइट जो है टाइल्स लगी हुई हैं, और उस कोने को हम जल्दी से जल्दी खाली करेंगे क्योंकि हम उस फ्रिज को यहाँ पे रखेंगे। सो मैं वेट कर रही हूँ कि इसको मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पर रख पाऊँ। एंड देन जस्ट इसके सामने अब हम आ जाते हैं, लिविंग एरिया से अटैच्ड भी एक बालकनी है, तो यहाँ का व्यू भी सेम है जो कि किचन की बालकनी से नज़र आता है। अभी मैंने इस बालकनी में बहुत सारे प्लांटर्स रखे हुए हैं जिनको मैं स्टोर करूँगी बाहर रूम में, लिविंग एरिया में जो हमारा सोफ़ा एंड एवरीथिंग आ जाएगा। सो ये है व्यू, प्यारा सा व्यू आप देख सकते हैं, और ये पार्क है जहाँ पे इवनिंग में ज़्यादातर आहाना को हम ले जाते हैं खिलाने के लिए, तो उसको अच्छा लगता है। और यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं पे हर चीज़ मिल जाती है। सो ये सारे प्लांटर्स मैंने खुरजा से लिए हैं जिनका हॉल आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। और हर बालकनी में स्लाइडर लगे हुए हैं, और बहुत ही प्रिटी लुक इनका आता है, बहुत अच्छे लगते हैं, माइंड फ्रेश एंड रिफ्रेश कर देते हैं आपके माइंड को। तो ये हो गया हमारा एंट्रेंस, किचन और किचन की बालकनी, और ये जो हमारा लिविंग एरिया है पूरा आपने देख लिया, और उसके बाद ये है यहाँ पे बालकनी। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, तो आगे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर है ये फर्स्ट रूम जिसमें कि अभी पूरा खाली है, एक्चुअली पूरा घर ही खाली है, जहाँ पे अभी सिर्फ एक बैग रखा है, ये स्टूल रखा है, और ये मिरर लगाया हुआ है।
और ये हालांकि कुछ खेलने की चीज़ें जो कि खुर्जा से हम लाए थे, और ये जो फ्लोर है ये वुडन फ्लोर है। एंड देन अगेन यहाँ पे स्लाइडर है, एक्चुअली वो हर एक बालकनी में है, बस इस बालकनी का जो व्यू है वो थोड़ा डिफरेंट आता है, वो कुछ इस तरीके का आता है। और ये है हमारा फर्स्ट रूम, और ये मेरा होने वाला स्टूडियो है, यहाँ पे मैं स्टूडियो बनाने वाली हूँ अपना। और यहाँ पे आने वाले टाइम में आपको मेरी वीडियोस मिलने वाली हैं। यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि एक येलो कलर का सोफा लूँ, बट पहले मैं अपनी फ्रेंड से सजेशन लूँगी क्योंकि वो बहुत अच्छा इंटीरियर करती हैं, मैडम मुझे जैसा पता है, तो उनको मैं बुलाऊँगी, उसके बाद मैं उनसे आइडिया लूँगी कि मैं क्या चीज़ें परचेज करूँ, क्या चीज़ें मैं यहाँ पर लगाऊँ, कौन से कोने में क्या चीज़ मुझे लगानी चाहिए। तो ये हमारा पहला रूम है जो कि होने वाला मेरा यूट्यूब स्टूडियो है, और आने वाले टाइम में आपको यही पर वीडियोज मिलने वाली है। सो मैं आपको अलग अलग एंगल से ये वाला रूम दिखाऊंगी। सबसे पहले हमने इस वाले एंगल से ले लिया, एंड देन अब मैं आपको दिखाऊंगी सेम एंगल से उधर बाथरूम साइज सामने से। और हर रूम में मिल जाएगी जब ये आप कहीं भी ले जाती है ना। सो ये हो गया हमारा पहला रूम। अब इसके सामने क्या है, इसके सामने मैं आपको दिखाती हूँ, इसके सामने है ये बाथरूम जो कि यहाँ पे मेरी चीज़ें रखी हुई हैं, कुछ कुछ चीज़ें मैंने रखी हैं और कुछ कुछ चीज़ें दूसरे वाले बाथरूम में रखी है जो कि है मेरा मास्टर बाथरूम। सो अभी सब ऐसे ही है, कुछ भी सेटल नहीं है, जो कि धीरे धीरे होगा। सो ये इस रूम के जस्ट सामने ही है, मेरे स्टूडियो के जस्ट सामने ही है बाथरूम। और अब हम चलते हैं हमारे मास्टर बाथरूम में। सो मैंने आपको पहला रूम दिखा दिया जो कि मेरा होने वाला स्टूडियो है। ये लाइट में क्या हो रहा है, चेक करना पड़ेगा। तो मैंने आपको दिखा दिया मेरा लिविंग एरिया, किचन, बालकनी दोनों दिखा दी, और मैंने आपको पहला रूम दिखा दिया जिसमें कि मेरा होने वाला स्टूडियो आपको देखने को मिलेगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि चीज़ें सही हो जाएं, बट अभी कोरोना है, लॉकडाउन है, तो हम चीज़ें नहीं परचेज कर पा रहे हैं और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि घर से बाहर ना निकलो तो ज़्यादा बेहतर है। अब हम चलते हैं हमारे मास्टर बेडरूम की तरफ। तो यहाँ पे व्यू काफ़ी अच्छा आता है, ये फ़ोटोज़ के लिए काफ़ी अच्छी छोटी सी गली हो गई। अब हम चलते हैं हमारे मास्टर बेडरूम में। सो ये है मेरा मास्टर बेडरूम, और सबसे अच्छी चीज़ जो मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगी वो है ये बिग साइज ऑफ मिरर। ये है हमारे कपड़ों की अलमारी, वह अलमारी क्या होता है इसको, सो ये इसको मैं खोल के नहीं दिखा सकती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैसी है, फिर भी मैं हल्का सा आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमारे के कपड़े रखे हुए हैं, ऊपर मेरे सूट सलवार जो वन पीस है वो है, और यहाँ पे मेरी टॉप जींस। सो ये है मेरा मास्टर बेडरूम, ये आप देख सकते हैं इसमें हल्का फुल्का सामान रखा हुआ है, और वो है हमारा बाथरूम, इससे अटैच्ड है। यहाँ पे मेरे कैमरा स्टैंड रखे हुए हैं क्योंकि मेरे पास 3 से 4 कैमरा स्टैंड है, और ये रिंग लाइट का स्टैंड भी था बट रिंग लाइट अभी ख़राब हो चुकी है। और यहाँ पे मैंने रखा हुआ है पॉड स्टैंड और आहाना के दोनों टेडी बियर, और वहाँ पे मेरे पीआर पैकेज रखे हुए हैं 3-4 जिनको मुझे अभी वीडियो बनाना बाकी है। मैंने इंस्टा तो कर दिया बट यूट्यूब का बनाना काफ़ी बाकी है, और उसके बाद मेवी कॉलर जो कि मुझे पीआर आया था, थैंक यू सो मच मेवी। और यहाँ पे प्लांटर्स रखे हुए थोड़े बहुत, एंड देन मेरा लैपटॉप है, मेरा आईफोन, और यहाँ पे अगेन आपको देखने को मिलेगा ये थॉट, कहाँ गया फोकस। सो ये थॉट मेरे मोटिवेशन के लिए हैं क्योंकि मैं कभी कभी ना डीमोटिवेट फील करने लगती हूँ, कोई भी बंदा अगर घर से बाहर होगा तो थोड़ा सा डीमोटिवेट तो हो ही जाता है। सो ये जो अलमीरा है वो बहुत अच्छी लगती है, पूरे रूम में बहुत अच्छा लुक देती है,
और यहीं पर मैं ज़्यादातर रील्स बनाती हूँ। अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम नहीं देखा है तो मेक श्योर आप एक बार जाकर चेक कर लें, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। और आपने एक चीज़ नोटिस तो कर ही ली होगी कि यहाँ पे पूरे घर में आपको वाइट 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 कलर नज़र आएगा, गेट भी। और यहाँ पे मास्टर बेडरूम में, एक्चुअली दोनों बेडरूम में ना वुडन फ्लोरिंग है, जो कि बहुत अच्छी लगती है। अदरवाइज़ लिविंग एरिया, किचन एंड बेल्कनी में आपको वाइट फ्लोर ही मिलेगा। और हमारे मास्टर बेडरूम में है एक वॉशरूम, और उसके जस्ट अटैच्ड एक और बालकनी है जिसका व्यू सेम आता है। ये आना की साइकिल हमने यहाँ पे डाली हुई है, क्योंकि वो कभी भी कहीं भी ले जाती है। और ये कालीन मैंने मुझे गिफ्टेड है, दीदी ने दिया था। सो सेम व्यू नज़र आता है, जो कि हमारे लिविंग एरिया वाली बालकनी में से नज़र आता है। सो एवरी डे एवरी मॉर्निंग माइंड फ्रेश रहता है, इतना अच्छा व्यू देखने के बाद। बहुत शांति है यहाँ पे, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई साउंड नहीं है, कोई हॉरर नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छे अच्छे थॉट्स माइंड में आते हैं। और हर बालकनी में आपको ये स्लाइडर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे हमारी अलमारी के जस्ट बाहर ये मिरर लगे हुए हैं, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। कहाँ गए थे आप? मुझे खिलौने दिखाओगे? दिखाओ। मैं बैठूं? पुराना मैं तो वीडियो बना रही हूँ ना, पहले मैं वीडियो बना लूँ? नहीं बनाऊँ, यहाँ पर पहले बैठो, फिर वीडियो बनाऊँ। ठीक है, मैं बैठ गई। आओ, ओके। आपको पता है हमारे पास क्या है? सुई, इसमें सुई। सुई? हाँ। ओके, और? और इसमें ना देखो, ये भी सुई भी है, ये भी सुई है, ये। तो आप किसके लगाओगे इसे? मामा के। सो अभी हम आना से बात कर लेते हैं, हम मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। बाय। वेलकम टू माई होम। हमारा बेडरूम से अटैच्ड बाथरूम, क्योंकि मैं इसको दिखा नहीं सकती क्योंकि मैंने इसका कुछ सामान जो है वो रखा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे सामान है थोड़ा बहुत, जो मैंने जाना मार्केट से लिया है, उसको मैं दिखा नहीं सकती अभी, क्योंकि मैं आपको उसे हॉल वीडियो में बताऊँगी और आगे वाले खर्च करने के लिए। और उसके बाद मैं पूरा रूम का व्यू आप देख लीजिए एक बार। तो ये है मेरा पूरा घर जहाँ पे मैं अभी रहती हूँ, और इसका जो अमाउंट है वो है 1 करोड़ रुपये। और उसके बाद ये मैंने 2 BHK फ्लैट लिया है, जिसमें अभी मैं अपना स्टूडियो बनाने वाली हूँ। और अभी हम सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे खुद करनी पड़ती हैं, क्योंकि मैंने मेड नहीं लगाई है। वैसे भी कोरोना, लॉकडाउन, इन सब चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, बट स्टिल आई एम डूइंग स्ट्रगल। और स्ट्रगल इस तरीके का कि कोई सोफ़ा नहीं है, कोई बेड नहीं है, और हम सिर्फ फर्श पे ही अभी गद्दे डाल के सोते हैं और काम करते हैं। एक्चुअली फर्श पे ना एक्चुअली ट्रेंड भी है। मैं भी आने वाले टाइम में ना सोच रही हूँ कि बेड ना लूँ,
जो मेरी फ्रेंड है उन्होंने बोला है कि बेड मत ले और फर्श पे ही गद्दे डाल के हम उसको DIY कर सकते हैं। तो बहुत सारे DIY आपको देखने को मिलेंगे। इवन उन्होंने बोला है कि 5,000 रुपीज़ में हम पूरे घर में DIY कर सकते हैं। तो मैं देखती हूँ क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और मैं हर ब्लॉग आपके लिए शूट करूँगी क्योंकि आपको आइडिया मिल सके कि आप किस तरीके से कम बजट में अपने पूरे घर को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो, अच्छे से उसका डिज़ाइन कर सकते हो अपने घर को, जो कि लुक भी अच्छा आए और पैसे भी कम खर्च हो। सो यही आपको देखने को मिलने वाले बहुत सारे ब्लॉग। इवन ये बालकनी भी मैं बहुत अच्छे से डेकोरेट करने वाली हूँ। यहाँ पे सिर्फ मैंने डाला हुआ है ये कालीन मैट जो कि बंजारा मार्केट में आपको 1500-2500 के समथिंग मिलेगा, बट मुझे ये एज ए गिफ्ट मिल गया, दीदी ने दिया था। सो दिस इज़ माई ओवरऑल वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। और ये मेरा ड्रीम होम है जिसको मैं आने वाले टाइम में अच्छा करूँगी क्योंकि ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। मैं सोचती थी कि मुझे कुछ ऐसा स्पेस मिले जिसको मैं खुद डेकोरेट करूँ और जहाँ पे सिर्फ मेरा मन हो, मैं जैसे चाहूँ वैसे करूँ। सो और ये हमारा व्यू मैंने आपको दिखा दिया, 3 बालकनी में से आपको ये सेम व्यू नज़र आएगा। सो आई होप कि आज के लिए इतना काफ़ी है। आने वाले ब्लॉग के लिए हम बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आएंगे, आपको पसंद आएंगी। और अभी के लिए बाय बाय, सी यू सून, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ।